गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित हैं। तो जो हम आज का टॉपिक है हमारा, वो है वर्णों की बनावट। हम स्वर कर चुके हैं, पहले हमने स्वरों के बनावट के आधार पर उस वीडियो बनाई है हमने। आज हम व्यंजन की बात कर रहे हैं और व्यंजनों में हम जो वर्ण दे रहे हैं, हम ये नहीं है कि पहले जैसे इस प्रकार जो वर्णमाला के जो अक्षर है उस प्रकार से सिखाएंगे, जी नहीं। हम आज जो हमने जैसे हमने स्वर किए थे वैसे ही हम व्यंजन कर रहे हैं बनावट के आधार पर, जो सबसे पहले इजी है, बच्चा जिनको आसानी से बना सकता है, और सेम पैटर्न के कुछ अक्षर होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे वो हम आज सीखेंगे। कौन से हैं? क, ब और एक और है जिसको मैं अभी बनाता हूँ, वो है व। ठीक है, आज हम इन तीन वर्णों को सीखेंगे कि हम बच्चों को किस प्रकार, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखाएंगे, या खुद भी हम अगर गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसको हम सुधार सकते हैं। और ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी वीडियो है जो मतलब बच्चों की, जैसे जो प्रथम कक्षा में, पहली कक्षा में जो बच्चे आए हैं और जो वर्णों की बनावट जब हम उनको सिखाएंगे तो आप इस तरीके से उनको सिखा सकते हैं। कैसे? जैसे पहले मैं शब्द वर्ण बना रहा हूं व, ठीक है, मैंने बना दिया, ये है हमारा व। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे और फिर हम ऐसे, ये हम बच्चे को उंगली पकड़कर लिखना सिखाएंगे। उसके बाद जब बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर लेगा तब हम उसको बता सकते हैं कि व के बाद जो हमारा अगला जो वर्ण है वो है क। व से ही हमने शुरू किया था और हम इसी को हम क भी बना सकते हैं। तो दो वर्ण हमारे हो गए हैं, एक है व और दूसरा है क। जब बच्चा इनकी प्रैक्टिस कर लेगा उसके साथ ही हम अगला जो वर्ण है हमारा वो सिखा देंगे, वो क्या है हमारा ब। जैसे व उसको बनाना आ गया है, ठीक है, और वह व से बना के बढ़ा के वह क भी लिख सकता है। अब व के बाद हम उसको बना सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं ब, ठीक है, पहले व फिर क और उसके बाद ब। तो सेम पैटर्न है इनका बनाने का, लगभग लगभग समान है। तो इनसे हम एक ही वर्ण से बच्चों को तीन वर्ण सिखा सकते हैं। ये नहीं कि बच्चा जैसे भाई आज एक ही वर्ण सिखाना है, आज सिर्फ क सिखाना है, कल को ख सिखाना है, उसके आगे ग सिखाना है, नहीं। आप एक ही दिन में आप चाहे तो उनको ये तीनों भी सिखा सकते हैं क्योंकि इनका सेम पैटर्न है। आप चाहे तो बच्चों को सेम डे तीनों करवा सकते हैं क्योंकि बनावट के आधार पर लगभग ये समान है। तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपको नए वर्णों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।